26 नवंबर जिंदाबाद, 26 नवंबर जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद। कभी हम परतंत्र थे, हम गुलाम थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा शासन था पूरे देश। ऐसे चले, नाना प्रकार के अपराध भी होंगे, सब कुछ होगा जाकर, इसमें उन्हें किस प्रकार की सजाएं दी जाए, वो चाहे जलीय जंतु हों या स्थल पर रहने वाले व्यक्ति हों या पशु पक्षी हों, इनसे सबसे इससे सभी से जुड़ा हुआ है संविधान बनाया गया, इसमें जीने की व्यवस्था बनाई गई कि अगर हम अपराध करते हैं तो उसका निराकरण किस किस प्रकार से हो। इसके अतिरिक्त ये तो हुई देश की राजनीति के अनुसार जीवन जीने की कला जीने के लिए संविधान में। दूसरी चीज़, हमें जीवन जीने की कला महर्षि व्यास जी ने चार वेदों के अनुसार कैसे जिए, अपना जीवन किस तरीके समाज में जिए, घर में जिए, समाज में जिए, किस तरीके से जिए, इस तरीके से वेदों की रचनाएं की गई। इसी प्रकार से एक मुस्लिम समाज में कुरान अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेंट की कि हम लोग ये समाज अपना जीवन किस तरीके से जीवन यापन करें, जिससे कि समाज में किसी प्रकार की कोई कुरीति ना रहे, अपने अपने धर्म के अनुसार जीते रहें। तो संविधान का तात्पर्य यही है, काफ़ी कुछ डिटेल में आपको बताया जा चुका है। हम इस संसार में रहते हुए जीवन किस प्रकार से जिए, हम किसी अपराध से ना जुड़े, जिससे हमें संविधान या किसी धाराओं के अंतर्गत जुड़ना पड़े जा करके। और मैं सबसे ज़्यादा तो विशेष धन्यवाद प्रेम जी को देना चाहता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम होने चाहिए और जागरूक करना चाहिए, प्रेम जी यहाँ ही नहीं इस राज्य के लिए महिलाओं भी केवल चूल्हा और चौके तक सीमित थी, कम संविधान तब भी था लेकिन जागरूकता नहीं थी प्रेम जी तक। उस समय जब जागरूकता की कमी थी या खाने घर तक सीमित रह जाया करती थी, ओपिनियन बहुत कम आ पाती थी। क्या गया है संविधान में ऊँच नीच भेदभाव किसी प्रकार का नहीं रखा। करता हूँ कि जो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर सब लोग चलेंगे, देश भी समृद्ध होगा और ये गांव से लेकर के गांव सबसे छोटी इकाई, ये गांव, जनपद, मंडल, ये सभी खुशहाली के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये संविधान बनाने में काफ़ी टाइम लगा था। हम किस प्रकार का जीवन जिए, जीने की कला हमें संविधान बताता समाज में कैसे जिए, और हम अपना जीवन आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से कैसे जिए, ये हमारे वेद और रामायण बताते हैं और कुरान बताती है। सभी से मेरा निवेदन है, संविधान को डिटेल में बताया गया है, संविधान के अनुसार किसी प्रकार का कोई अपराध हम ना करें जिससे हम किसी धारा से जुड़े, और धार्मिक उन्माद भी होना चाहिए और आध्यात्मिक भावों से जो व्यक्ति भरा हुआ होता है उसमें किसी प्रकार का कभी कोई अपराध नहीं होता, किसी भी जाति संप्रदाय का क्यों ना हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ में प्रेम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप लोग धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। तो श्रीवास्तव साहब ने आपको जो अध्यापक होते हैं उनकी यही विशेषता होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रवाद प्रणाली बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्कशीट शुक्ला सप्तमी संवत 2000 बताइए। आज संविधान दिवस का कार्यक्रम रखा था नागरिक एकता परिषद और नेशनल एकेडमी फॉर सोशल मूवमेंट की ओर से, क्योंकि संविधान दिवस आज के दिन हमारे देश को जो संविधान सभा थी और जो संविधान कमेटी थी उसने संविधान तैयार करके 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के सामने प्रस्तुत किया था, परंतु ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।